कहते हैं ना कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो हमें उंगली त्योरी करनी पड़ती है। लास्ट 48 घंटे में 26,000 से ज्यादा रोजा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आप में से काफी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई हमारी जो शॉर्ट वीडियो है वो 1000 2000 3000 व्यूज आकर रुक जाती है, या तो हमारी शॉर्ट वीडियो शॉर्ट फीड में नहीं जाती है। अब दोस्तों मैं आपको जो भी ट्रिक बताता हूँ सबसे पहले अपने चैनल पर अप्लाई करता हूँ। देखो मेरी तो शॉर्ट वीडियो शॉर्ट फीड में जा रही है, लेकिन दोस्तों आप लोगों की शॉर्ट वीडियो शॉर्ट फीड में नहीं जा रही है, इसलिए मैंने क्या किया अपनी चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो को अपलोड किया। अब मैंने उसमें एक ऐसा तिगड़म लगाया, कहते हैं ना कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसी तरीके से मैंने उंगली को टेढ़ा किया और अपनी वीडियो को शॉर्ट फीड में ना ले जाकर कहीं और से व्यूज लाया। और सबसे पहले मैं आपको प्रूफ भी चेक करा देता हूं, क्योंकि देखो प्रूफ के बिना कोई बात नहीं होती है। जब तक आपके पास प्रूफ ना हो तब मैं कुछ बोल नहीं सकता। पहले आप लोग यहां पर प्रूफ देख लो कि लास्ट 48 घंटे में इस वीडियो पर देख सकते हो, देखो कितना ज्यादा व्यूज आ रहा है, 26,000 से ज्यादा व्यूज आ रहा है। और पूरा का पूरा जो ट्रैफिक है वो ब्राउज फीचर से आ रहा है। देखो ब्राउज फीचर से 12,500 व्यूज, शॉर्ट फीड से 6,500 से ज्यादा व्यूज, और यूट्यूब सर्च से देख सकते हो 5,000 से ज्यादा, लगभग 6,000 व्यूज इस तरीके के व्यूज हमें मिल रहे हैं। कहां से मिल रहे हैं? ब्राउज फीचर से, शॉर्ट फीड से, यूट्यूब सर्च से। यानी कि हम अपनी वीडियो को कहां पर भेज रहे हैं? यूट्यूब के ब्राउज फीचर में। अब दोस्तों काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई शॉर्ट वीडियो को ब्राउज फीचर में हम कैसे भेज सकते हैं, सर्च फीड में कैसे भेज सकते हैं। यही तो भाई टिगड़म टेढ़ा तरीका है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। काफी सारे लोगों को ये तरीका नहीं पता, लेकिन आपका भाई काम करता है, मेहनत करता है, ट्रिक्स को ढूंढता है, लगाता है, रिजल्ट मिलता है तो आप लोगों को जरूर बताता है। और यहां पर देखो मात्र जो है 16 दिन के अंदर इस वीडियो पर 1,32,000 से ज्यादा व्यूज आ चुका है। अब दोस्तों काफी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई आपकी बताई गई ट्रिक से हमारे चैनल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, हमारी वीडियो पर व्यूज नहीं आए। भाई एक बात बताओ, मैं सिर्फ आपको खाना परोस कर दे सकता हूं, ऐसा नहीं कि मैं आपको जाकर खिलाऊंगा, अभी ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आपको ट्रिक्स बताता हूं, वो आप ट्रिक्स को लगातार अप्लाई करो। ऐसा नहीं आप लोग क्या करते हो, आज ट्रिक्स लगाई, दो दिन भूल गए, तीसरे दिन नहीं लगाई, चौथे दिन नहीं लगाई, सातवें दिन लगाई। भाई ऐसे ट्रिक्स काम नहीं करती है, ना ही कोई मेथड काम करता है। हम जो भी ट्रिक्स अपने चैनल पर लगा रहे हैं उन ट्रिक्स को फॉलो करो कि आखिर हमने उन ट्रिक्स में कौन सी गलती करी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैंने इसमें कौन सा तिगड़म तरीका लगाया वो तरीका आपको इस वीडियो में समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से समझना, काफ़ी सारे लोगों को एक तरीका नहीं पता, काफ़ी सारे लोगों को क्या किसी को भी तरीके के बारे में नहीं मालूम, क्योंकि इस तरीकों को मैंने जनरेट किया है। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, बिल्कुल क्लियर माइंड करके इस वीडियो को देखो। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है बिल्कुल ध्यान से समझना, सबसे पहले आप जो भी वीडियो अपलोड करना चाहते हो अपने चैनल पर, जो भी शॉर्ट वीडियो अपलोड करना चाहते हो, सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो इस पर क्लिक करना, ऊपर लोगो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड, इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आप किस कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो बना रहे हो या किस टाइप की आप वीडियो बना रहे हो तो उसका टाइटल आपको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा। या आप बना रहे हो किसी के भी ऊपर, जैसे टॉप अबाउट फैक्ट मुकेश अंबानी, ठीक है, किसी के भी ऊपर बना रहे हो, जैसे विराट कोहली, काफ़ी सारे क्रिकेटर के ऊपर भी वीडियो शॉर्ट बनाते हैं, काफ़ी सारे फैक्ट के ऊपर भी बनाते हैं, तो आपको क्या करना है उनका इस तरीके से टाइटल सर्च कर लेना है। टाइटल होगा, आप कुछ ना कुछ टाइटल तो रखोगे, तो उस टाइटल को आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। यहीं पर एक मेन तरीका है जिसको आपको समझना है, और एक ऐसा सीक्रेट मेथड बताऊंगा जिससे आपकी 100% शॉर्ट वीडियो ब्राउज फीचर में जाएगी, सर्च फीड में जाएगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से समझना बस। ठीक है, देखो आप मेरे दोस्तों भाई हो इसलिए मैं आपको प्यार से समझा रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरा क्या जा रहा है इसमें, आप नहीं समझोगे मेरा कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखो मेरी वीडियो भी YouTube के सर्च में जा रही कि नहीं जा रही, YouTube के देखो इसी पर तो आया है, 2 वीक में 1,32,000 से ज्यादा व्यूज देखो दिख रहा है ना, तो मेरी वीडियो जा रही है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। प्रूफ भी देख लो, आपके सामने प्रूफ आ गया। देख लो यहाँ पर शॉर्ट फीड में तो नहीं जा रही, कहाँ पर जा रही है, यूट्यूब के सर्च
तस्वीर में, ठीक है, जा रही है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, कैसे आपकी वीडियो सर्च में जाएगी, ध्यान से सुनना, ठीक है, कैसे ब्राउज फीचर में जाएगी, इसलिए आप वीडियो को समझना, ठीक है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, जैसे देखो ये मेरी वीडियो जो है शॉर्ट फीड में ब्राउज फीचर में आ रही, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से मेरी वीडियो के यहाँ पर देखो थ्री डॉट पर क्लिक करके आपको इस तरीके से क्लिक करना है और मेरी वीडियो की लिंक को कॉपी कर लेना है, या तो आप मेरी कर लो, ठीक है, नहीं करना है तो छोड़ो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले और दूसरे नंबर पर आपको जो वीडियो देख रही है इनको आपको छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये देखना है किस क्रिएटर की, यानी ऐसा कौन सा क्रिएटर है जो नया क्रिएटर है जिसकी वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा आपको देखना है। तो हम थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे। अब देखो यहाँ पर देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये जो क्रिएटर आपको देखना है टेक लाइक यू, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है, क्लिक कर देना। और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर देखो, इसकी वीडियो पर दो घंटे में मात्र 52 व्यूज आए हैं, लेकिन इस वीडियो पर व्यूज कितने आए हैं, एक साल में 1.7 मिलियन व्यूज, यानी कि इसके टाइटल टैग क्या कर रहे हैं, रैंक कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके थ्री डॉट पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है, और इसकी लिंक को शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। अगर दोस्तों आपको कोई ऐसा बंदा ना मिल रहा हो जिसके जो है चैनल छोटा हो, काफी अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, ध्यान से सुनो, आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में आपको जो वीडियो मिले पहले नंबर पर उसको छोड़ो, दूसरे को छोड़ो, तीसरे नंबर वाली वीडियो पर क्लिक करो और उसके लिंक को कॉपी कर लो, ठीक है। तो इनके ही आपको टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन कॉपी करना है। कैसे करना है, सबसे पहले लिंक को क्लिक करो, इस तरीके से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, प्ले स्टोर ओपन करना है, यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन सर्च करनी है टैग यू, ठीक है, इस तरीके से सर्च करना और इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, काफी सारी मिल जाएगी। मैं इस वाली को जो है ओपन करता हूँ, ठीक है, यानी कि इस वाली को यूज करता हूँ, ठीक है, ये SEO वाला है तो इसमें इसको यूज करता हूँ, आप भी इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, ओनली सिर्फ इसको इस तरीके से पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद ओनली इसको इस तरीके से सर्च कर देना, पूरा का पूरा टाइटल आ जाएगा, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, इसको कॉपी करना। कॉपी करने के बाद यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, इनके जो इंस्टाग्राम आईडी है और इनके जो स्पॉन्सर मेल वगैरह है और इनके जो बेचने वाले आइटम है इनकी, इनको हटा देना, और जो क्यूरीज वगैरह लिखी है इनको अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है, बिल्कुल ध्यान सुनना, ठीक है। और इसके टैग वगैरह जितने भी लगे हैं वो सारे के सारे टैग भी आपको लगाने हैं, ठीक है, ये काम हो गया, ये आपको टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लिखने में मदद कर देगा, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर जैसे हमने टाइटल कॉपी किया, टाइटल कॉपी करने के बाद देखो यहां पर मैं आपको चेक कराता हूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने नोटपैड में जाकर पेस्ट करना है, कोई भी टाइटल कॉपी करो, डिस्क्रिप्शन कॉपी करो, टैग कॉपी करो, सबसे पहले अपने नोटपैड में जाकर पेस्ट करो, फिर अपने जो वीडियो है उसमें पेस्ट करो, जैसे आपने इसमें लिखा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा क्लिकबेट लाइन लिख सकते हो, जैसे बन के सब्सक्राइब 30 मिनट में, पहले से क्लिकबेट लिखी तो रहने दो, हम सीधा क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके इसको क्या करेंगे, सीधा का सीधा डायरेक्ट जाकर देखो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके हम सीधा डायरेक्ट जो है अपनी वीडियो के जाकर पेस्ट कर देंगे। हमारा टाइटल लग गया, डिस्क्रिप्शन लिख गया, टैग लिख गए, अब बारी आती है सीक्रेट मेथड की, जो आपकी वीडियो को ब्राउज फीचर में 100% ले जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी आप अपनी वीडियो को अपलोड करो, शॉर्ट वीडियो को, तो आपको क्या करना है, उसको शेड्यूल लगाकर अपलोड करना है। शेड्यूल लगाकर इसलिए अपलोड करना है क्योंकि आपकी वीडियो इससे देखो ब्राउज फीचर में जाती है, यूट्यूब सर्च में जाती है, और शॉर्ट फीड में तो आपकी वीडियो जाएगी ही जाएगी। अगर शॉर्ट फीड में नहीं जाएगी तो पहले आपकी वीडियो ब्राउज फीचर में 100% जाएगी, उसके बाद यूट्यूब सर्च में जाएगी, उसके बाद यूट्यूब के शॉर्ट फीड में भी जाएगी। इन तीनों तरीके से आपकी व्यूज धीरे धीरे आना स्टार्ट होंगे। और एक बात का ध्यान रखना, ये ट्रिक एकदम से वर्क नहीं करती है, धीरे धीरे वर्क करती है। जैसे आपने आज वीडियो डाली, क्या पता आपकी वीडियो 7 दिन बाद बूस्ट कर जाए, लेकिन बूस्ट जरूर करेगी, यकीन मानिए। अगर आपकी वीडियो पर 10 व्यूज आते होंगे तो आपकी वीडियो 1000-2000, अगर 1000-2000 आ रहे होंगे तो कम से कम 10,000-15,000 ऐसे व्यूज आएंगे। और वेट करिए, और इस ट्रिक को अपनी हर वीडियो में लगाइए, तहलका मचाइए, लेकिन हाँ पेशेंस रखिए, पेशेंस के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं होता है। अगर हम पेशेंस के साथ काम करेंगे, ट्रिक्स को बार बार लगाएंगे अपनी हर वीडियो में, तो यकीन मानिए किसी न किसी वीडियो में आपकी ट्रिक 100% वर्क करेगी। और हाँ, ऐसा मत सोचा करिए कि भाई ट्रिक काम नहीं कर रही है, हर ट्रिक काम करती है, थोड़ा पेशेंस रखिए और अच्छे अच्छे अच्छा वीडियो बनाइए। जो वीडियो आप देखिए कि आपकी ऑडियंस किस टाइप का वीडियो देखना पसंद कर रही है, उस टाइप का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कीजिए। और हाँ, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज होती है वो आपकी वीडियो का थंबनेल होता है। क्लिकबेट कोशिश करो कि अपने जो आप शॉर्ट अपलोड कर रहे हो उसका क्लिकबेट थंबनेल लगाने की कोशिश करो, ताकि वीडियो पर क्लिक्स आए, ठीक है। बाकी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद
पसंद आई हो एक लाइक करना एंड कमेंट करके जरूर बताना आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।